पोजिशनल पिक में मैंने चुना है एंटी फूड, प्राइस टारगेट रहेगा 250 का। और इसमें दो तीन कारण हैं। एक तो ऑफ कोर्स जो इंडिया की जो शेयर है बासमती राइस एक्सपोर्ट्स में वो थोड़ी सी बढ़ी हुई है, डोमेस्टिक मार्केट में भी काफी अच्छा एक ट्रैक्शन देख रहे हैं। और जो नई कैटेगरी में कंपनी ने अभी फोरे किया है रेडी टू ईट, रेडी टू कुक फूड, उसके अंदर भी एक अच्छा सा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और पर्टिकुलरली जो कप्पा राइस और जो बिरयानी फॉर किड्स, इसमें एक अच्छा हम ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस तरह की ब्रांडेड कंपनी का जो वैल्यूएशन और जो मार्केट कैप होना चाहिए उसके मुकाबले आज की तारीख में एलटी फूड का मार्केट कैप इज हार्डली अबाउट 7-7.5 थाउजेंड करोड़। तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा एक उसमें री रेटिंग का स्कोप रहेगा। और हमारा जो प्राइस टारगेट है वो रहेगा 250 रुपीज। ओके, 250 के टारगेट के लिए एलटी फूड में करें खरीदारी। ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक। और दीप, ये जब से एबेकस ने खरीदा है उसके बाद से स्टॉक में जबरदस्त एक्शन, उनका 162-164 रुपये के आसपास की खरीदारी थी, हमने भी रिकमेंड किया था। मेरा भी शॉर्ट टर्म टारगेट 250 रुपये का है, लॉन्ग टर्म टारगेट मेरा 350 रुपये तक का है। तो ये एक बहुत बढ़िया स्टॉक है, यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। जो अभी अभी हेमंत सर ने आपको खरीदारी करने की राय दी, एलटी फूड, बढ़िया एक्शन इसमें देखने को मिल सकता है। आइए,